हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात कर रहे हैं। जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल ए है, यूनिट वन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुटीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के कोर्सेज, दोनों ही आपके अकाउंट में दिखेंगे। एक है शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा इंडेक्स वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास मात्र 10 मिनट का अगर टाइम है तो ठीक है, या फिर आप एक पेपर को आराम से आप 16 घंटा का टाइम निकाल के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। दूसरा इंडेक्स वीडियो, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है जो हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर आप 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दोनों ही जगह वीडियो और इसको पढ़ने से आराम से 75% नंबर आ जाएगा। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है, यहाँ वैलिडिटी 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम यहाँ दाम 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। यहाँ पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, यूनिट नंबर वन है मॉड्यूल ए का। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुटीज हमारा ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एसआई। एसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट, हम सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए पूरा इसको अच्छे से सुनते समझते हैं। तो जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेटेड होता है एट फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है? फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर। अब इसको क्या मतलब है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जो होता है नॉट बी इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट क्या होता है? यहां पे री इन्वेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट नॉट री इन्वेस्टेड, यानी इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट नहीं करते। क्लियर होगी बात? अब आइए एग्जाम्पल से थोड़ा हम समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 1000, ये से समझिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, रुपीज है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, ईयर हम मान लेते हैं 2 साल। ठीक है, ज्यादा समय लेके क्या करना है, टी फॉर टाइम, 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल क्या हो गया यहाँ पे? 1000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10, और हम ईयर, या तो एक तरीका है सीधा 2 कर दो बाई 100 कर लो आप। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? 100 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर में भी सेम होगा, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाई 100। प्रिंसिपल हमारे लिए, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000 ही रुपये था, और यहाँ भी प्रिंसिपल हमारे लिए 1000 ही रुपये है। ठीक है, तो 1000 इतना इंटू 10 इतना इंटू 1 इतना इंटू 100 बन गया 100 रुपये, यानी प्रिंसिपल हर बार 100 100 ही रुपये हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या समझे, इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, परसेंटेज आपका फिक्स्ड है, उतना का उतना ही है, उतना का उतना ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो यानी इंटरेस्ट आपको 100 पहला साल हो गया, दूसरा साल भी 100 हो गया, टोटल हो गया 200। यानी टोटल कितना हो गया आपका, जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपये, जो 200 रुपये बढ़ के मिला 1200 रुपये आपको मिला, याद रखिएगा। चल ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सीआई का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां समझते हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड, जो आपने कमाया इंटरेस्ट उसको री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, और आपका यहाँ पे ये चीज इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड, सिंपल सा चीज है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, प्रिंसिपल था
आपका 1,000 रुपये, ठीक है, टाइम दे देते हैं 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर देते हैं 10%, ठीक है। अब हम फर्स्ट ईयर का इसका हम इंटरेस्ट निकालें, सिंपल से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाई 100, 1,000 इतना इंटू 10 इतना इंटू 1 बाई ए, ठीक है, बन गया 100 रुपया। अब सेकेंड ईयर में आओगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, यानी न्यू पी हो जाएगा 1,000 जो था प्लस 100 रुपये, अभी 1,100 रुपये हो जाएंगे प्रिंसिपल। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल आपके, 1,100 रुपये हो जाएगा। पहले वहां पे क्या था, जैसे पहले वाले में आपने देखा था 100 ही रुपया था, अब सेकेंड ईयर में यहाँ पे आप जब सिंपल इंटरेस्ट से आप कैलकुलेशन करोगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, 1,100 रुपये गुने 10 गुने 1,100 रुपीज 110। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले साल 100, दूसरे साल 110 रुपया हो गया, 210। यानी हमारा जो अमाउंट आया वो आया 1,000 जोड़ 210, 1,210। क्लियर हो गया बात, कहानी खत्म। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका वन, प्रिंसिपल हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू डी पावर टी, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस पी करना होगा आपको, प्रिंसिपल को घटाना होगा, तो आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपको जानना है सिंपल हमारा अमाउंट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर आप अमाउंट जानना है तो सिंपल यही फॉर्मूला है, ठीक है, चलिए समझ गए। तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, समझिएगा, अभी हमने आपको दो चीज पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और यहां पे एक सिंपल इंटरेस्ट लिखता हूं। मेरा सवाल है कि किसमें आपको इंटरेस्ट की कमाई ज्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कमाई ज्यादा है, चौथा पॉइंट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कहां ज्यादा कमाई होगा आपको, ठीक है, यहां पे मैं बना रहा हूं एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, बताइए, ठीक है। तो सबसे कम कमाई होगा एनुअली में, एनुअली से ज्यादा सेमी एनुअली, सेमी एनुअली से ज्यादा क्वार्टरली, क्वार्टरली से ज्यादा मंथली, मंथली से ज्यादा वीकली, वीकली से ज्यादा डेली, इस हिसाब से आपको कमाई होगा, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल ऑफ 72, यहां पे अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स, रूल 72 का अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स कितना लगेगा जहां पे पैसा डबल हो जाएगा, क्या बोलते हैं रूल नंबर 72, रूल ऑफ 72 बोलते हैं अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स कितना लगेगा जहां पे पैसा डबल हो जाएगा, यानी टू टाइम्स हो जाएगा, जहां इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग की जाती है, यानी ईयरली कंपाउंडिंग होता है। हम बोल सकते हैं हेल्प्स इन फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट बोलिए, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स बिफोर योर मनी डबल्स विद ईयरली कंपाउंडिंग, यानी कितने समय पैसा, नंबर ऑफ इयर्स जो है आपको पैसा डबल हो जाएगा जहां ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा,
अब इसमें एक है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो है रिमेंस सेम। हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रिमेंस सेम। ओके, क्लियर हो गई। दूसरा हो गया, एग्जांपल बता सकते हैं इसका? एग्जांपल हो गया एफडी, ठीक है। सातवां, ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, इंटरेस्ट जो होता है या जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंजेस, ठीक है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला उदाहरण हो गया लोन। लोन का इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसा जरूरत होगा वैसा चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इंटेंस वीडियो। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स है जो कि कम समय में पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि 10 मिनट के आपको समय मिल पा रहा हो हर दिन, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि एक ही दिन में कोर्स ख़त्म कर सकें, यानी 16 घंटा का टाइम निकाल के पढ़ाई करते हैं, आराम से आपका पेपर कम्प्लीट हो जाएगा, आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इंडिया वीडियो उनके लिए ठीक है जो नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव, हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकालें। और यहाँ पर अगर आप 5 दिन का समय देते हैं तो आराम से आपका वीडियो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दोनों ही जगह आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है, यहाँ वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाएगा www.jbsabimedigy.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।